रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। महोबा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जलभराव, बारिश, ओलावृष्टि से हुए नुकसान का क्लेम देगी बीमा कंपनी। तहसील कुलपहार में तैनात हुकुम सिंह लेखपाल ने किसानों के बीमा न आने तक वेतन न लेने का लिया संकल्प। केंद्र सरकार ने दिए जल्द सर्वे कराने के निर्देश। रबी के फसलों सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जाएगी जियो टैगिंग के साथ। श्री मैनेजर, ग्राम पंचायतों में हुई क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन राजस्व व बीमा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाएगा। हर प्रभावित किसान को नियमानुसार नुकसान का क्लेम दिया जाएगा। मैनेजर सुधीर कुमार ने बताया कि किसान को लाभ तभी मिलेगा जब उसकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो, जैसे अनौसिक वारिस, बेमौसम बारिश, रोग, कीटों एवं सूखा। बाढ़ से ग्रसित ग्राम पंचायत को कृषि एवं सांख्यिकी निदेशालय लखनऊ के द्वारा दिए गए क्रॉप कटिंग के आंकड़े के आधार पर क्लेम का भुगतान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फसल बीमा मैनेजर ने बताया है कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा खेतों की क्रॉप कटिंग नहीं की जा रही है, इसलिए किसान फसल बीमा से वंचित रह सकते हैं क्योंकि इसकी एक समय अवधि निर्धारित रहती है। सर्वे के दौरान कर्मचारी दिनेश कुमार व रामनाथ सिंह व रमेश आदि मौजूद रहे। दिद्वारा, बहादुरपुरा, सतोरा, कनकुआ, लिलवा, धरवार सहित जनपद में सर्वे की जा रही है। छोटू यादव, बुंदेली न्यूज, महोबगंज। क्या नाम है और आप किस पद पर तैनात हैं? सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तहसील कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, किस तहसील से हैं? सर फुलपहाड़ तहसील। अच्छा सर, तो सर इस समय किसानों का जो सर्वे क्लेम संबंधित चल रही है, तो क्या कहना है आपका? सर जो किसानों द्वारा एक टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन की जाती है और वो कंप्लेन 7 से 8 दिन में हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साहब आ जाती है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर हमको देते हैं और उसका हम सर्वे 3 से 4 दिन में कंप्लीट करके लखनऊ को प्रेषित करते हैं। तो सर आपका क्या आशा है कि किसान को कितना लगभग लाभान्वित किया जा सकता है? सर, मेरा मानना है कि कुछ किसानों का लगभग जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है या पानी बरसने के कारण, जितने परसेंट हम यहाँ से दे रहे हैं, माना कि 40 से 50 या कहीं सर कम है कहीं ज़्यादा है, तो औसतन सर 30 से 40% है डिस्ट्रिक्ट में, तो सर हम दे रहे हैं और जल्द से जल्द उनको लाभ। उन्होंने आपको कंप्लेन टोल फ्री पर किया है? अभी हमारे पास जो है 14 से 15 किसानों का जो है टोल फ्री नंबर पर आया हुआ है, जिसका जो है हमने सर्वे भी कर लिया है पूरे महोबा ज़िले में और सबसे ज़्यादा हमारे पनवारी क्षेत्र में थे और एक दो कबरई क्षेत्र के थे और एक दो हमारे पास सरकारी क्षेत्र के थे। तो क्या सर इसमें आपकी विभागीय बीमा कंपनी के जो सदस्य सर्वे कर रहे हैं, तो क्या अभी कितनी तहसीलों में सर चल रहा है आपका सर्वे? हमारे जो है तीनों तहसीलों में सर्वे चल रहा है और हमारे जो है फील्ड स्तर पर भी लड़के तैनात हैं जो क्रॉप कटिंग के आधार पर विटनेस करने जाते हैं लेखपाल के सूचना के उपरांत, तो वो भी जो है हमारे सारे लड़के तैयार भी हैं और बहुत सारे लेखपाल को वो फ़ोन लगा रहे हैं कि क्रॉप कटिंग के लिए कि आप कब क्रॉप कटिंग करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे कुछ किसान तो तैयार भी हैं जाने के लिए, कुछ किसान कह रहे हैं कि अभी जो है हम क्रॉप कटिंग नहीं कराएंगे। तो हमारा जो है ज़्यादातर जो है हमारा जो है क्रॉप कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लेखपाल हमारा कॉपरेट भी कर रहे हैं, कुछ लेखपाल जो है मना कर रहे हैं कि क्रॉप कटिंग अभी हम नहीं कराएंगे और जब तक जो है ये क्रॉप कटिंग का आंकड़ा 100% निदेशालय को नहीं पहुंच जाता, निदेशालय बीमा कंपनी को, तब तक आंकड़ा नहीं देती है।